कबाड़ द कॉइन, कबाड़ द कॉइन, कबाड़ द कॉइन, जैसे आपकी हर मूवी में मतलब जो आप स्क्रिप्ट लिखते हैं जिस समाज से मैसेज मिलता है, कबाड़ द कॉइन जो मूवी है किस प्रकार अपने समाज को मैसेज है, किस तरीके से आप मोटिवेट करना चाहते हैं? देखिए कबाड़ द कॉइन जो फिल्म है ये एक फिलॉसफी है, ये शब्द ही अपने आप में एक फिलॉसफी है। कबाड़ द कॉइन, कबाड़ मतलब कि ये पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड, मेहनत, लेबर, आपकी ईमानदारी, सब कुछ इस शब्द के अंदर है, और उसके बदले में कॉइन, पैसा। तो ये दो थीम पे, दो शब्द पे ये पूरी कहानी जो है वो बेस्ड है। अब आप कह रहे हैं कि इसमें मैसेज क्या है, चरित्रों के, बहुत सारे चरित्रों के साइकोलॉजी इसमें, इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा, ढेर सारे साइकोलॉजी मिल करके एक पूरी प्लॉट कहानी को बना देते हैं। और उसमें सबसे जो अच्छी चीज है वो पूरी थीम लाइन जो है, बेसिक थीम लाइन, वो एक पैसे पे आधारित है, एक क्वाइन पे आधारित है, और वो जो क्वाइन है उसके पीछे पूरी चरित्र है, वो भाग रहे होते हैं, सारे सारे कैरेक्टर रन कर रहे होते हैं। और उसमें भी देखिए, मैंने इस कहानी को ना सिम्बॉलिकली लिया है, बेसिकली आज पूरी दुनिया जो है उसमें लोग हैं वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जिस तरीके से लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लोगों में सेवा की भावना, सामाजिकता की भावना कहाँ चली गई, खत्म हो गई है। लोग 1,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपया जमा कर लेना चाहते हैं, इतना पैसा क्यों जमा कर लेना चाहते हैं आप? अगर आप एक आदमी या हर आदमी 10,000 करोड़ रुपया या 1,000 करोड़ रुपया जमा कर लेगा तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, उनकी हालत क्या होगी? तो ये एक थीम लाइन है, ये बेसिक प्लॉट है हमारी कहानी का, जो ये आपको देखने को मिलेगा। और मैंने या विवान ने मिल करके इसको कितना मतलब एक्सप्लेन किया है और कितने अच्छे से स्क्रीन पे लाया है ये तो दर्शक ही बताएंगे, पर जो जो हालात थे और जो कुछ इस कहानी में जो कुछ दिख रहा था उसको ले करके ऑडियंस तक आना जरूरी हो गया था। ये एक ऐसा टाइम आ गया था कि अब इस प्लॉट का आना जरूरी है ऑडियंस के पास। अच्छा विवान जी, सर जैसे हरदास शाह ने जिस तरीके से कहानी लिखी आती, किस तरह से मुश्किल हुई आपको स्क्रीन पे प्ले करने के? तो उसका प्रिपरेशन इसमें बहुत बहुत था, क्योंकि कबाड़ी वाला जो है मेरे तजुर्बे के बहुत ही बाहर है। ये किरदार मैंने जिंदगी में काफ़ी सारे कबाड़ी वालों को देखा है अपनी जिंदगी में, लेकिन उनको ऑब्जर्व करना और उनके रूप को निभाना, उनको ठीक से समझना, वो सबसे बड़ी चैलेंज थी। और एक बहुत ही कमाल की चैलेंज थी जिसमें वरदराज जी ने, शाहजाद भाई ने, हमारे को राइटर, बहुत सारे लोगों ने मेरी बहुत मदद की। और खास करके जब आप वहाँ पे होते हो, जैसे हम एक चौल में शूट कर रहे थे जोगेश्वरी में, और जहाँ पे उसकी एक छोटी सी जो किरदार है बंधन, उसकी एक खोली है, तो मैं जब रहता था उस कमरे में, उसकी सारी चीज़ों को लोड करता था हाथगड़ी पे, तो ऑटोमेटिकली किरदार ऐसे जाग उठता था ऐसे एक्शंस में और ऐसे जगहों में और प्रॉप्स, और जब सेट को आप जब उसमें उसको इनहैबिट करते हो तो आई थिंक किरदार ऑटोमेटिकली आपको समझ में, आपके अंदर जान जाता है और आपको उसकी समझ थोड़ी सी और आ जाती है। और खास करके इसमें इमेजिन भी काफ़ी करना पड़ा, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी एक कबाड़ी वाला हुआ नहीं हूँ ऊपर वाले की कृपा से, और बहुत ही मुश्किल काम है, सबसे आई थिंक कठिन, एक ऑलमोस्ट मजदूरी का काम है कबाड़ी वाला होना। तो वो उसको एक दिलचस्प किस्म के रूप में उसको पेश करना, उसको इज्जत देना, वो आई थिंक मेरी जिम्मेदारी थी इस किरदार प्ले करने में। ये एक और मतलब मजे की बात आपको बताऊं कि एक दिन हम जोगेश्वरी में शूट कर रहे थे, तो मैं आ करके अपना सेटअप पे बैठ करके काम कर रहा था, फ्रेमिंग करवा रहा था, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद विवान आया गेटअप में और हाथ गाड़ी लेकर के क्रॉस कर गया गली में, और आवाज़ लगाते हुए वो एकदम अजीब सा साउंड, जो कि उस दिन मैंने इससे पहले मैंने सोचा नहीं था, रिहर्सल वगैरह जो कुछ भी हुआ था तो उसमें उसने वो चीज़ें नहीं की थी,
इतना वाइब्रेट करने लगेगा एक कैरेक्टर, तो वो किस तरीके से वो एक टेक्निकल आवाज वो आवाज वो जो कबाड़ी वाले जो कॉलोनी में घूमते रहते हैं ना, मैं सुना होगा कि ये बोलते ऐसा चिल्लाते रहते, तो वो टाइप का बहुत सारा बहुत मजा आया। और कबाड़ी वालों का जो जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं उसको स्टडी करने में और उसको ठीक से दिखाने में बहुत मजा आया। क्या हुआ कि मैं मेरे सामने से विवान वैसे एकदम नॉर्मल कपड़े में गुजर गया और मैं सोचा कोई आदमी होगा कोई कबाड़ वाला होगा यार। जब मैं लिटरली मैंने किसी ने बोला कि विवान था आपने देखा क्या, बोले बोला अरे मतलब मैं हैरान हो गया कि इस तरीके से गेटअप लेगा। और उसके बाद मेरे अंदर जो एक फियर था, हमने इस फिल्म को आपको बताऊं कि करीब करीब इसके बहुत सारे पार्ट हमने गोरिल्ला स्टाइल में शूट किया है और विवान ने जिस तरीके से करेक्टर को अडॉप्ट किया, उसके बाद से मेरे अंदर जो शूट करने का एक जो डायरेक्टर के ऊपर जो स्ट्रेस होता है कि वो एग्जैक्ट मैं जो चाह रहा था वो शूट हो जाए, उसका वो पूरा काम इसने हल्का कर दिया इन्होंने। मतलब मैं बताऊं कि मैंने विवान को छोड़ दिया ऐसे सड़क पे और कैमरा लगा करके और हम शूट कर रहे, कोई किसी को कोई लेना देना नहीं, कोई समझ नहीं पा रहा है कि ये विवान शायद, तो ये वो है। जैसे कि आपकी पहली जो कहानियां थी, जो कहानी लिखी थी आपने, वो समाज के ऊपर थी और सच्ची कहानी मांझी द माउंटेन में। यस जी। और जो कबाड़ द कॉइन है, ये कहानी इमेजिनेशन या सच पे आधारित है? नहीं, हमारी हम कहानियों को देखिए ढूंढते हैं, एक कहानीकार के रूप में आपको कहानी इमेजिनेशन पे कुछ भी नहीं हो सकता है। इमेजिनेशन तब काम करेगा जब आपके पास एक बेसिक प्लॉट होगा। और जिस तरीके से हम लोग हमारा एक जो हमारी स्कूलिंग है या हमारे हमारी हमारे सोचने का जो तरीका है वो कि हम हर बार एक रियलिज्म की तरफ जाते हैं, एक ऑथेंटिक बेसिक कहानी जो सोसाइटी के अंदर में है और सोसाइटी के अंदर घुटन भरी चीज़ों को ढूंढ करके निकालते हैं। कहानीकार के रूप में आपको क्या करना होता है कि कहानी को ढूंढने के लिए निकलना पड़ता है, आपको कहानी में उतरना पड़ता है। धीरे धीरे करके जब आप कहानी को ढूंढना शुरू करते हो, खोजना शुरू करते हो, जब आपको आप उसमें जूझने लगते हो तो वो कहानी मिलने लगती है आपको, जो आप चाह रहे होते हो, जो जो आपकी बेचैनी होती है। कहानीकार की मेरी अपनी बात करूं तो मेरी एक अपनी बेचैनी है कि मैं समाज के कौन कौन से हिस्सों को छू सकता हूं जिसको कि अभी तक एक्सपोज नहीं किया जा सका है, अनएक्सपोजेज है। और ये कबाड़ी वाले की जो कहानी है वो भी अनएक्सपोजेज है। क्या होता है, आपकी अपनी पीड़ा होती है, एक पीड़ा है जो जो लेखक की पीड़ा है, राइटर की पीड़ा होती है। मैं मेरे साथ एक मेरे को राइटर शहजाद अहमद, तो हम दोनों लिख रहे होते तो कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है कि मैं आकर के बताता हूँ शहजाद ये प्लॉट है और इस पे बहुत अच्छी कहानी बन सकती है। तो वो पीड़ा जब तक आपके भीतर नहीं आएगा, जब मैं अपनी बात करूंगा, मैं बहुत लोगों की बात नहीं करूंगा, दुनिया में सबने बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं और बड़े महान राइटर हैं, पर मैं किसी घटना को या किसी चीज़ को लेकर के जब असहज महसूस हो जाता है मेरी संवेदना है वो बहुत ज़्यादा आहत होने लगती है, तब मैं मजबूर हो जाता हूँ कि नहीं अब इसके बारे में लिखना पड़ेगा। वो वही मेरी जो प्लॉट है उसको ऐसे बोल लीजिए या कोई टॉपिक बोल लीजिए, वही प्लॉट बाद में स्क्रिप्ट का रूप ले लेता है। विवान सर जी, आप क्या सोचते हैं मतलब इसके द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल, कि जो ये एक जब जब ये कोई असलियत में हकीकत में वो आधारित है, उसके बाद आप अपने कल्पना के दौरान उसमें थोड़ी सी सच ला सकते हो। क्योंकि खास करके जैसे मेरे जैसे मैंने कहा था कि ऊपर वाले की कृपा से मैंने कभी गरीबी एहसास नहीं की है अपनी जिंदगी में, लेकिन उसको समझने में दिल और दिमाग में और कल्पना में आई थिंक उसमें आई थिंक सबसे कमाल की एक्टिंग वही होती है कि जब आप किसी और के दिल और दिमाग में घुस जाते हो और उसके फीलिंग्स को एहसास करते हो और उसके दर्द को आप पेश कर पाओगे, दुनिया को दिखा पाओगे, आई थिंक वो। और खास करके इस फिल्म में जो एक एक एक, एक, एक कबाड़ी वाला के बारे में है, जो कबाड़ी वाले हमारे जो देश के रीढ़ की हड्डी है, यू नो कबाड़ी वालों के बिना हम क्या कर पाए, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत समस्या हो जाएगी हमारे सिविलाइजेशन समाज में। वो आई थिंक हीरोज हैं हमारे हमारे समाज सोसाइटी के जरूर। तो उस वो बहुत ही जैसे जैसे कबाड़ी वाला अपना किसी घर का सामान, किसी मकान का सामान ट्रांसपोर्ट करता है, वैसे ही एक एक्टर डायरेक्टर का संदेश ट्रांसपोर्ट करता है और पेश करता है स्क्रीन पर। बिल्कुल सही बात है।
मेरा मैंने बताया ना कि विमान ने कैरेक्टर को ऐसा एडॉप्ट कर लिया कि असली और नकली में फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया, और उसी उसी का लाभ मैंने लिया है डायरेक्टर होकर के, कि मैंने विमान को मतलब हाईवे पे छोड़ दिया, सड़कों पे मेन सड़क पे छोड़ दिया, कई दफ़े लोगों ने विमान को रोक लिया और सामने से मतलब उनको पैसे देने लगे या सामान के लिए बोला मेरे घर पे आ जाओ, ढेर सारे सामान है तुमको देना है, किस भाव का लेते हो, कैसे करते हो, तो वो हमारे लिए बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट था। मुझे लग रहा है कि इस फिल्म को देख करके लोगों को एक बर्गी लगेगा यार कि कैसे कैरेक्टर को अडॉप्ट किया इस बंदे ने, मतलब आप असली और नकली बोला ना कि रियल और फैब्रिकेशन में थोड़ा सा बाल बराबर का फर्क है, अगर ऐसे मतलब उस में से कुछ काट करके फेसबुक पर या कहीं डिजिटल सोशल मीडिया पर डाल दिया जाए तो लोग बता नहीं पाएंगे, बोलेंगे कि भैया ओरिजिनल कोई कबाड़ी वाला है। ओके सर, तो ये जो कबाड़ी का कॉइन है मतलब ये कहां पे देखने मिलेगी दर्शकों को और कौन से प्लेटफॉर्म पे? ये 13 फरवरी 2021 में वूट वाइकम 18 के प्लेटफॉर्म पे आ रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ दर्शकों को अच्छी लगेगी। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग जरूर हमारी फिल्म देखिएगा, अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा, और आशा है कि आपको पसंद आएगी। सर आप देखिए, ये मैंने बोला ना कि ये जो मेरी, मैं एक ही लाइन में बोलूँगा, ऑनेस्टी इज द ओनली द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, ईमानदारी ही आपके जीवन का सब कुछ होना चाहिए। मैं कोशिश किया हूँ इस फिल्म के माध्यम से, कबाड़ द क्वाइन के माध्यम से ये कहने की कोशिश किया हूँ कि यह जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है, आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, ईमानदारी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।